ओके, चलिए अब सवाल लेते हैं फटाफट। आशीष का सवाल, आशीष श्रीवास्तव, इनके दो सवाल हैं। जी एक तो IEX का है, 150 शेयर्स हैं इनके 227 के भाव पर, और दूसरा है सामी होटल्स, 150 शेयर 203 का। सामी का चार्ट थोड़ा छोटा होगा, जी बताइए दोनों में क्या करना है। देखिए, IEX में पहले इनको बोल देता हूँ, जहां पे डेटा सेटअप्स हैं, मतलब जहां पे डेटा है मीनिंगफुल। देखिए, पुलबैक्स करके जो हमें इनिशियली टारगेट्स लगे थे यहाँ पे, वो तकरीबन आए हुए हैं यहाँ पे। तो 200-205 के ऊपर अब नए समीकरण खुलेंगे विद इन दिस। आई थिंक 140 से 200 का जो रेंज इनिशियली लग रहा था, वो रिस्टोर्ड पूरे हो गए। तो दो ऑप्शन है, या तो थोड़ा मुनाफा यहाँ बांधे, या एल्स बड़ा एग्रेसिवली एक स्टॉप लॉस ट्रेल करें 184 पे और 1 से 3 महीना बने रहे। अगर ये 200-205 का ब्रेकआउट हो जाता है नेक्स्ट वीक तक, तो ये ट्रेड में बने रह सकते हैं, अन्यथा अगले हफ्ते तक इनको मेरे हिसाब से थोड़ा निकलना और मुनाफा बांधने की कोशिश यहां करनी चाहिए। और वो दूसरा विपिन ठाकुर जी पूछ रहे हैं IEX के बारे में, बताइए बताइए सर IEX के बारे में कुछ। देखिए, IEX में मेरे ख्याल से करीब 5 या 6 हफ्ते पहले की बात है, जब स्टॉक ने 170 का एक बहुत अहम आंकड़ा ब्रीच किया था। अगर हम उस बेसिस पे, क्योंकि वो एक तरह का इनवर्स अरेंज शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट था, उस बेसिस पे टारगेट सेट करेंगे तो वो 220 रुपए के आसपास के आते हैं। तो और जो करेक्शन हम देख रहे हैं करीब 6-7 दिनों से, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जहां आप खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 154 के नीचे लगा सकते हैं।